नमस्कार, मैं गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने कार्यक्रम फेस टू फेस में अपने प्रोडक्शन मैनेजर संजय कुमार के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के भागलपुर के निकट स्थित मंदार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी अनन्य गांधीवादी दार्शनिक व आध्यात्मिक साधक आर्य साहित्यकार त्याग तपस्या और मानव सेवा के मूर्तिमान स्वरूप लगभग 50 से 60 दार्शनिक आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रेरणा जन्म से दक्षिण भारतीय होने के बावजूद मातृभाषा हिंदी और हिंदुत्व के अनन्य उपासक श्री आनंद शंकर माधवन जी के बारे में, उनके त्यागपूर्ण जीवन और आदर्शों के विषय में, जिनका स्वामी पूर्णानंद जी महाराज से लंबे अरसे तक बड़ा ही आत्मीय संबंध रहा। तो आइए आप भी चले फेस टू फेस में। स्वामी जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वामी जी, किमाधवन जी से आपकी मुलाकात कब और कैसे, उनके जन्म और साथ ही जीवन से संबंधित जानकारी मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को दें ताकि वो कुछ लाभान्वित हो सके। स्वामी, मैं बिहार के उत्तर प्राय खासकर उत्तर बिहार में काफी दिनों से जाता रहा था। भागलपुर के निकट एक गांव है औरिया, बांका जिला में पड़ता है। वहाँ मैं कई साल पहले से भी जाता था, लेकिन संयोग होता है किसी से मिलने का। एक महाशय ने बताया कि आप इतने दिनों से आते हैं, यहाँ से निकट 3 किलोमीटर मंदार पर्वत है, मंदराचल पर्वत, जबकि मंदराचल पर्वत पर भी मैं जाता था और वह ऐतिहासिक जगह है। वहाँ महावीर ने भी तप किया था उस पहाड़ पर, भगवान शिव का भी एक मंदिर है। तो लड़कों के साथ मैं वहाँ जाता करता जाया करता था। दिन भर हम लोग भजन कीर्तन ध्यान वगैरह करें वहाँ बैठ कर, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन तब तक वहीं तलहटी में वे उनका आश्रम था, मैंने नहीं जान सका था। कई वर्षों के बाद किसी ने बताया कि आप उन्हें मिले, वे गांधी जी के साथी रहे हैं, उनके सहकर्मी रहे हैं और बड़े तपस्वी मनस्वी और विद्वान हैं, आप उनसे मिलकर जरूर प्रसन्न होंगे। तो मैं उस इलाके के वैसे सुपठित विद्वान थे जो मेरे श्रद्धालु थे, मैं उनके साथ गया। तो देखा कि अजब सा व्यक्तित्व तो था उनका, जितना नाम सुना था उतने ही बिल्कुल सीधे साधे पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठे हुए थे और हरदम जैसे कोई चिंतन की मुद्रा में हो, वहाँ एकदम एकांत था। मैं गया तो मुझे सारू देख कर उन्होंने बड़ा सत्कार किया, मैं बैठा और वयोवृद्ध तो थे ही वे, तो उनसे परिचय मेरे लिए पूछने लगे कि इस उम्र में आपने वैराग्य ले लिया, भगवा वेश पढ़ना, आप कौन हैं, क्या हैं। धीरे धीरे तक मेरे बारे में बताने पूछने लगे। मैंने गुरुदेव का नाम बताया कि मेरी खासियत और कुछ नहीं है, बचपन में ही गुरुदेव हमारे ऐसे हैं वैसे हैं, मेरे जन्मस्थान के निकट आते थे और मैं उनको मिला और उनके मिलने के बाद मेरे वृत्ति में ऐसा लग गया कि मैं इन्हीं का हो जाऊँ और इन्हीं का शिष्य हो जाऊँ। और फिर ऐसा ऐसी दीवानगी चढ़ी कि बिल्कुल संसार से अरुचि होने लगी और मैं उनके पास रहा क्या बार बार में मैंने शिक्षा के बाद में उनकी बिल्कुल स्थायी रूप से शरण ले ली, मैंने संन्यास ले लिया। अब तो ये सदैव नहीं है, आपके यहाँ से दूरी पर एक स्थान है, उस स्थान के प्रेरणा ने एक बार उनसे करीब करीब 84 में उनको बुलाया था, गुरुदेव को आए हुए थे, उनके बारे में बड़े गौर से मेरे बारे में सुनते रहे।
तो धीरे धीरे खोद खोद के पूछने लगे कैसे आए। घर वालों ने विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि होता बेटा था, माँ बाप का बड़ा प्यारा था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया वहाँ पटना विश्वविद्यालय से, और उसके बाद सब छोड़ छाड़ के साधु बन गए मैं उनके पास। और यहाँ गुरुदेव आए थे और ऐसे थे वैसे थे, जैसे जितना मेरे भाव में गुरुदेव के बारे में कहना था कहो, और भी एकदम आवाज से सुनते रहे। तो कहे कि हाँ निकट आए थे और मैं 3 किलोमीटर दूर था मैं उनसे, और मुझे मिले नहीं, मुझे पता तक नहीं चला। और इतना ज़्यादा उनको मिलने के लिए ऐसे आकुल होने लगे कि मैं तो नहीं जानता था उन्हें, लेकिन वो तो सिद्ध पुरुष से उनको मालूम था कि मैं सारी उम्र में गुरु खोजता रहा, महापुरुष खोजता रहा। वे मुझे बुलवा दे सकते थे, मैं इतना खराब आदमी तो नहीं हूँ। और ऐसे भी वो हमने लगे जैसे कितना पुराना संबंध रहा हो, और इस प्रकार कहने लगे। फिर देर तक हम दोनों की बातें होती रही, अपने बारे में कुछ नहीं बताया, और घंटे भर में मेरे बारे में सब कुछ लिया हूँ। और भीतर में इतने विद्वान, इतने मनस्वी, इतने तपस्वी होंगे ये सोचा नहीं जा सकता था। और सचमुच वहाँ के लोगों ने, साहित्यिकों ने उन्हें साहित्यकार समझा, कारण की बहुत सी पुस्तकें लिखी। और शिक्षाविदों ने उन्हें शिक्षाविद जाना, कारण की विश्वविद्यालय चलाते थे। उन्होंने देखा उनके स्वभाव की बेपरवाही, निष्प्रियता, अकिंचन वृत्ति, कुछ भी संग्रह नहीं करना, देह दुनिया से बेखबर अपने देह से रहते हुए भी, और रात दिन दुनिया की फिक्र करना, लोग कैसे उठेंगे, लोग कैसे अच्छे बनेंगे, यही चिंता होते देख मैं बहुत प्रभावित होता गया। मैं तो साधु हूँ, और उस साधु जीवन में मैंने दुनिया में बहुत सारे संतों को देखा, अपने गुरुदेव को देखा, और उनके बाद यदि कोई व्यक्तित्व तो मुझे प्रभावित कर सका तो वैसे आनंद शंकर माधवन। और वे तथाकथित कोई परंपरा से साधु भी नहीं थे, भेषधारी भी नहीं थे कि हाँ कोई कपड़ा पहनते हों, कोई आनंद नाम दिखाए हुए हों, कोई टीका लगाए हों, कोई माला पहने हों, कोई आश्रम का बोर्ड लगाए हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके विचार इतने उन्नत थे कि दुनिया का दुख दर्द लगता था कि उनका अपना दुख दर्द है। इतना कोमल हृदय कि पशु तक के कष्ट को देख के रो पड़ते थे। कहीं किसी की बात सुनाई पड़ना और रात भर खाना छोड़ कर सबकी चिंता करते रहे। मैं बहुत दिनों दिन प्रभावित होता गया उनसे। और जब मैं जाता तो मैं भाग के इधर उधर दुनिया में घूमता रहता हूँ, और लोगों के बीच से होकर जब जाता था तो लगता था कि मैं किसी गुफा में बैठे हुए ऋषि को मिलने जा रहा हूँ। मैंने उन्हें इसी रूप में देखा। बहुत दिनों तक भी उन्होंने अपना नाम पता नहीं बताया, और बहुत दिनों के अंत तक भी वे इतने बेनाम रहे, इतना गुमनाम रहे कि कभी अपने बारे में कुछ बचाना चाहते ही नहीं थे। बहुत जानकारी मिली तो उनकी पुस्तक है प्रथम याम, तो उसको मैंने पढ़ा। उसमें बड़ा दर्दनाक था, रोते रोते रह गए हम लोग। और बहुत बचपन में उससे पता चला कि केरल प्रदेश में किसी वैसे बड़े कुलीन ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, जहाँ शंकराचार्य का जन्म स्थान है उससे कुछ ही दूरी पर उनका जन्म था। माँ बाप के इकलौते लड़के थे, पिता उनके जन्म के तुरंत बाद मर गए, और पिता इतने बड़े धर्मात्मा के ही तो ऐसे संतान भी हो सकते हैं। तो उनके पिता मरते वक्त अपनी उनकी माँ को हाथ पकड़ा के कह गए कि देखना बेटा, सांसारिक न बने, भोगी विलासी न बने, तपस्वी बने, मनस्वी बने, यशस्वी बने, इसका प्रयास करना, देखना ये भोगी विषयी न बने। ऐसा कहते कहते पिता मरे थे। और माँ बेचारी अनपढ़ थी, गरीब थी, करती क्या, किसी तरह तो यह शिक्षा में पढ़ने लगी उस घनघोर गरीबी में। और उनको भी ये बात लग गई थी जब माँ बच्चे होंगे पिता के कहते वक्त माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता ने अंतिम वक्त तो ऐसा कहा था। और उनको उसकी ऐसी लहक लगी कि 14 वर्ष की अवस्था में माँ को लगे कहने माँ मैं सुनता हूँ कि काशी में ब्राह्मण के लड़कों को लोग मुफ्त पढ़ाया करते हैं, तो मुझे तो वहाँ जाने दे, तू पढ़ा तो नहीं पाएगी, मेरे पिता का अरमान कि यशस्वी मनस्वी तपस्वी बने तुम कैसे पूरा कर सकोगी। माँ कहने की मैं कैसे सहारे जीऊंगी, तू ही अकेला है, तेरा बाप मर गया, ऐसे वैसे करते रहे बहुत दिन तक ऐसे ताला, तब भी ये जिद ठान के मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। और अंत में जब तैयार हुई किसी तरह से, तो पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मामा ने जुटकार दिया, लोगों से पैसे मांगे, तो माँ ने अपने गहने बेचे और उस गहना बेच के कुछ पैसे उनके किराए के लिए दिए।
तो मान में बल्कि उठते हुए कहा था कि ज्योतिषी ने कहा था कि वह यायावर बन के रहेगा जीवन भर और जन्म स्थान से दूर कहीं रहेगा, बड़े बड़े उपकार के कार्य करेगा और फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। और रोने लगी, बेटा तुम अब नहीं आओगे? तुम कहा कि नहीं माँ, मैं तो बड़ा बन के आऊंगा, लेकिन बड़ा बनना है ना, मेरा बेटा मुझे कह गया है। और ऐसे करके यहाँ आए। माँ का दर्दनाक और दृश्य जो है, जैसे ठीक शंकराचार्य 14 वर्ष की उम्र में निकले थे, वो तो गाड़ी पर चढ़े जा रहे थे और माँ बेचारी बुढ़िया बिलबिला कर रो रही थी, जिसका चित्रण उन्होंने प्रथम यहाँ में किया है। बड़ा त्यागपूर्ण जीवन रहा उनका। और यहाँ आए, काशी में दलदल घूमे, लोगों से आग्रह किया कि मुझे पढ़ना है, लेकिन उन्होंने बड़ा तीखा अनुभव कहा कि मुझे दुत्कार मिला, सब जगह से उपेक्षा मिली, किसी हिंदू भाई ने मेरे ऊपर रहम नहीं की। और उस समय जाके हुसैन साहब से मिले, जबकि देश आजाद नहीं था, और उनसे मिले तो अपने रुलाई सुन के और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनका बड़ा बड़ा अनहार है। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और उनकी कृपा से इन्होंने शिक्षा हासिल की। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में दिल्ली पढ़ते थे, वे अपने बारे में इतना गुमनाम हो जाता था कि बोलते बोलते चुप हो जाए। बड़ा मुश्किल से उनसे खुलवा के जान पाए हम लोग कि जामिया मिलिया के टॉपर थे। कई विषय में हमने किया था कि विश्वविद्यालय के बड़े बड़े, ऐसा भी कभी कहते थे कि वहाँ 3 बड़े प्रमुख विश्वविद्यालय थे, उसमें बेस्ट डिबेटर का अवार्ड मिला था। इतने संकल्पवान थे कि जो बोलना था उन पर ऑरेशन के लिए तो पहाड़ पर चढ़ गए। कहे कि मैं कुछ ही दिनों में भारद्वाज डिक्शनरी का तमाम वर्ड मीनिंग और वोकैबुलरी मैंने कंठस्थ कर लिया। आश्चर्यजनक और उस समय उनको अवार्ड मिला था। और इतने महान विद्वान थे कि कई लोग कहते थे कि 5 विषय के एमए हैं तो 27 विषय के एमए, ऐसे चर्चा थी, लेकिन वे हंस देते थे, कभी कुछ नहीं कहते थे। तो वे इसी तरह से गांधी के संपर्क में आए और गांधी का पत्राचार देखा, उनकी बड़ी सेवा की उन्होंने, तो उनको भारतीय संस्कृति के प्रति बड़ा लगाव था और बड़ा गौरव भाव था। शास्त्रों का अध्ययन बहुत किया था उन्होंने। और हमारी इतनी गौरवमयी संस्कृति आज लुप्त हो रही है, इस शिक्षा व्यवस्था की खामी के प्रति उनको बड़ी वेदना होने लगी। तो उन्होंने गांधी से कहा कि मेरी इच्छा है कि विश्वविद्यालय शांति निकेतन और हिंदू विश्वविद्यालय के पैटर्न पर मैं कोई शैक्षणिक संस्था खोलूँ जो दोनों के बीच पर बांट सके, आधुनिक शिक्षा भी और हमारी पाश्चात्य शिक्षा से जो संस्कारों से हीन हो जाते हैं छात्र, मैं शिक्षण संस्था कायम करूं। तो गांधी बहुत प्रसन्न हुए इनकी भावना सुन के, कहे कि बहुत ऊंचे और बड़े उर्वर ख्याल हैं तुम्हारे, उन्नत ख्याल हैं, इसलिए इसके लिए कष्ट, लेकिन झेलने को तैयार हो तो जाओ पहले भूमि का तलाश करो। और वे उसको तलाशते तलाशते पूरा हिंदुस्तान घूमते घूमते ये सर्वप्रथम भागलपुर के निकट आए थे। तो लेकिन बोली भाषा की दिक्कत थी, वे दक्षिण के थे, अंग्रेजी बोली थी और तमिल वगैरह बोलते थे। यहाँ के लोगों को संदेह हुआ, उस समय अंग्रेजों का शासन था, कि कोई जासूस है, इनको जेल में दे दिया गया। और वहाँ बड़े बड़े संघर्ष झेला उन्होंने, जो वहाँ पर कांग्रेसी आंदोलनकारी भर्ती थे उनके साहचर्य से, उनको ऐसा लगा इनकी बोली भावना समझ गई कि तो बड़ा ही विद्वान है और इस तरह से है, इसको तो यहाँ कर दिया गया है, तो दूसरे ख्याल वाला आदमी है। वहाँ से छूटने के बाद लोगों ने बड़े अपने ख्याल में रखा। और एक योगी सान्याल बाबा हुए वहाँ पर, जिनकी तपस्या स्थली है, वो भी दिन वहाँ बड़े प्रख्यात योगी थे। तो वो डाली माँ से किसी से थे, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा ऐसा संकल्प है और गांधी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कोई शैक्षणिक संस्था खोलनी है। तो उन्होंने कहा कि मंदराचल पर्वत जो है ऐतिहासिक पर्वत है और शास्त्रों में इसका उल्लेख आया है, बड़े बड़े तपस्वी यहाँ हो गए हैं, तुम आसन लगा कर बैठो और संकल्प करो, उस संकल्प की पूर्ति कुदरत करेगी, यह जागृत भूमि है और यहाँ सचमुच तुम्हारे संकल्प में बड़ा ये साकार होने की संभावना है, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर वे जंगल पर बैठे, जंगल था, वन्य पशु भी रहते थे लेकिन विरक्त थे बेचारे, और वहाँ बहुत दिन रहे। किसी किसी तरह से उस इलाके के जमींदार राजपूतों ने पहचाना, अपने अपने घर ले गए, फिर सबको अपनी भावना बताई। भाषा का प्रॉब्लम होता था जैसा वे कहते थे, तो लोगों ने जमीन दी और वहाँ पर विश्वविद्यालय कायम हुआ। तो उन्होंने मंदार विद्यापीठ नामक एक संस्था बनाई,
और उसी संस्था पर उनके मार्फत से वे जाने गए। तब समाज के लोगों ने जाना, एक ऐसे अपरिचित आदमी के रूप में वहाँ आए थे जो कोई जान नहीं सका। बहुत दिनों के बाद लोग उनको जाने और वह शिक्षा की संस्था खुली। और बाद में तो और चीज़ें बोलेंगे उन पर, तो हम दिन भर बोलते रह जाए। हम तो बहुत प्रभावित हुए थे उनसे। तो जन्म और के बारे में जो आपने पूछा था, तो जन्म केरल प्रदेश का था और संभवतः जैसा उनका सर्टिफिकेट, अपने बारे में ऐसा उदासीन व्यक्ति कि जो हो बहुत बड़ा लोग होते हैं, थोड़ा दिखाते ज्यादा हैं और महापुरुष बहुत ज्यादा होते हैं और दिखाते कम हैं, अपने को अनजान रखते हैं, इसके एकदम जीवंत प्रतीक थे। मुझे याद है गवर्नर हाउस में गए थे, वहाँ गवर्नर भार के उनके सहपाठी थे, उनको बहुत आदर करते थे। मैं भी उनके साथ गया था। वहाँ पत्रकार आने लगे, लोग फोटो का कैमरा सामने लगे, उनको लगा कि उठा के ईंटों से मार पड़ेंगे वे, और अंदर व्यक्ति तो मैंने रोका, उनको क्या कर रहे हैं, फोटो आ जाएगा। और हमसे पूछता है सब कि बाप का नाम क्या है, माई का नाम क्या है, जाति क्या है, कहाँ जन्मा है, बताओ। 60 साल 70 साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है मैं कहाँ जन्मा था। मालूम यही है जो मेरी शक्ल है, मालूम एक जीवन दर्शन है, मालूम ऋषि की संतान है, माधवन की एक बहुत बड़ी आइडिया है, समस्त मानवता के उद्धार के लिए माधवन का जन्म लिया है, उसी संकल्प के लिए जीता हूँ मैं, उसी के लिए जन्मा हूँ और उसी का संकल्प पूरा करते करते मैं मर जाऊंगा। ऐसे ऐसे गरज गरज के बोलने लगे, बेचारे पत्रकार क्या समझते, लेकिन नहीं बताया उन्होंने नाम पता परिचय। तो किसी तरह से उनके पुराने सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले, उनके देहांत के बाद एक किताब कागज छपी थी वहाँ उनकी संस्था से, उसमें लिखा था कि उनका जन्म शिवरात्रि के दिन 1913 ईस्वी में हुआ था और 2007 ईस्वी में ठीक शिवरात्रि के दिन ही उनका देहांत भी हुआ। और देहांत के पहले इतने संकल्प के धनी थे कि उतने बूढ़े अवस्था में अनवरत सक्रिय थे वे, रात रात भर बैठ के ग्रंथ लिखा करते थे और न थकना न हारना। ये कहते थे कि अभी तो काल को कह दिया है कि मेरे दिमाग में इतना संकल्प पड़ा हुआ है कि सबको लिख डालूंगा, तब आओगे तो सोचूंगा जाने के लिए, उसके पहले उसको मोबाइल कहाँ कि मेरे पास आवे। उन अवस्था में 93-94 साल की अवस्था में उन्होंने देखा कि बस दो दांत बचा था, लेकिन आंखों से बिना चश्मा के देखा करते थे। वो चश्मा वाली कहानी बड़ी रोचक है, मैं आगे बताऊंगा। वो अपने आप में जैसा कि मैं पढ़ा हूँ, चूंकि मैं उस क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी मिली, उनको ना तो हम यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं ना तो इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, वो सबसे परे है, सबसे ऊपर है। एक बात जरूर मेरे दिल में रहती है, कहाँ माधवन जी दक्षिण भारत के। पहली बात, हालांकि आपने जिक्र किया है इसमें कि हिंदी बोलने में उनको दिक्कत हुई और किस परिस्थिति में यहाँ तक पहुंची, ये भी जाना। और कमाल तो ये है कि यहाँ हिंदी का जब दिक्कत होने लगी तो एक वहाँ का वर्ण अक्षर जो है कख ग, उन्होंने शिक्षक से सीखा और फिर वैसे सीखने के बाद संकल्प से आदमी सब कर सकता है। इंसान के अंदर तो भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का पूरा शक्ति ही भर रखा है और उस शक्ति को उजागर करना अपने तपस्या से करते हैं तपस्वी लोग, और हम लोग उसका दूसरी तरफ में डिरेल कर देते हैं, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करके दुनिया के सारे लोगों में, वही तो परमात्मा के ही अंश तो है। और उसका उन्होंने किया और उस संकल्प से हिंदी साहित्य में इतना नाम हुआ उनका कि 60-70 बड़ी बड़ी स्तरीय पुस्तकें। अब उनका चिंतन तो बड़ा आध्यात्मिक था और बड़ा दिव्य था, बड़ा पावन था, बड़ा कल्याणीय था। और ऐसा उसको दिया उन्होंने कि बहुत सी किताबों का नाम याद है, उनकी पहली किताब थी अनामंत्रित मेहमान, जो उपन्यास की किताब थी, वो भी ताना दिया किसी ने कि कहते कि तुलसी के बाद तो कोई साहित्यकार हुआ ही नहीं। तो उसने कहा कि आपको तो हिंदी बोलने नहीं आता है, तो वो तमाम के साहित्यकारों को पर उंगली उठा रहे हैं, आप में दम है तो आप 6 महीने के अंदर में एक उपन्यास लेके दिखा दीजिए। अब लगा कि इनको गोली लग गई और उस समय सीखने लगे अकख अगह, और उस सीखी हुई हिंदी से पूरे 6 महीने तक खाना पीना छोड़ के, संकल्प तो उस आदमी का इतना था, शरीर इतना दुर्बल और संकल्प से लगता था कि पहाड़ जैसे चट्टान थे, जो जिद पकड़ ली उसके लिए मर जाएंगे, खाना ना खाएंगे ना सोएंगे। और फिर उस हिंदी को सीखने के आधार पर दिमाग में एक उपन्यास की भूमिका बनी और उन्होंने अनामंत्रित मेहमान अनइनवाइटेड गेस्ट करके एक लिखा, और उस देख कर चकित रह गए साहित्यकार लोग,
जिस पर उनको पुरस्कार मिला राष्ट्रभाषा परिषद से और तमाम सराहा गया, और फिर जो खुल गई लिखनी तो लिखने लगे प्रथम याम और कौन कौन एणाक्षी, तो प्रसून पंथ, तो सूर्य पंथी, रुद्राक्ष माला, सायुज पंथ, लेकिन पूरी किताबें जो थी उनकी कहा करते थे कि आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर है, वो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। उनकी किताबों से लौकिकता की जरा भू ही कहीं नहीं आती है कि ये लौकिकता नहीं थी उनके अंदर, वो खुद ही जैसे थे। तो उस मानस को, और फिर किताबें उनकी इतनी जीवंत और इतनी प्रेरणाप्रद थी कि मैं क्या कहूँ। ऐसे ऐसे लोगों को देखा मैंने देश में, कई लोगों से जिन्होंने उनका दर्शन नहीं किया, उनको मिले नहीं, लेकिन किताब पढ़े और जीवन भर के लिए उनके भक्त बन गए। मैं एक डिप्टी कलेक्टर को मिलने गया था उन्हीं का नाम लेने से, और जैसे सवेरे सवेरे गया बड़े भद्र और उनके बंगले पर गया और तमाम पुलिस वुलिस खड़ी थी, मैंने उनका नाम लिया, वे आए मेरे पास, हाथ पकड़ के रोने लगे, कहने लगे बाबा मेरे पिताजी का सम्मान लेकर आप आए हैं, और ऐसे बोलने लगे। हम घंटा भर बोल गए वो दोनों आदमी उनके बारे में, और दिखाया उन्होंने कि 50 उनके हस्तलिखित पत्रों को इस तरह से मढ़वा के उन्होंने इतना बढ़िया प्रेम पूर्वक अपने पूजा की जगह पर रखा था 50 पत्र को, और उसमें संबोधन प्रिय बेटा मोहन और तुम्हारा पिता या तुम्हारा शुभचिंतक माधवन, यही कितनी प्रेरणा की बातें उसमें लिखी हुई थी। मुझे लगा कि बाबरे तो हम ही उनके संपर्क को अपने को मानते हैं, ये आदमी तो कितना निकट है। घंटे भर के बाद जब मैंने पूछा कि आप उनको कब मिले हैं निकट से निकट समय में, हंसने लगे, पहले इन आँखों से नहीं, यहाँ की आँखों से। हमने कहा कि अच्छा मिले नहीं अभी तक, हंसने लगे, कहें कि उनका पुस्तक जो था वो मैं अनामंत्रित मेहमान और प्रसव वेदना मैंने लाइब्रेरी में कहीं पढ़ी थी, मैं संस्कृत, मेरे पिताजी संस्कृत के विद्वान थे और उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में, और उसको पढ़ते ही मैं पागल हो गया और उस पते पर उनको पत्र लिखा, उन्होंने सारी पुस्तकें भेजी और तब से पत्राचार होता रहा। मेरे वे पिता हैं, मेरे जन्म के पिता तो चले गए, मेरे धर्म के पिता हैं, मेरे माँ हैं और मेरे गुरु हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में एक एक पंक्ति चलता हूँ, वे आशीर्वाद से मुझे ये करते हैं, लेकिन इन आँखों से नहीं देखा, हृदय की आँखों से देखा। बाद में उनको मैंने बताया तो हंसने लगे, कहे कि साहित्य यही है बाबा, साहित्य पोथी लिख देने को थोड़े कहते हैं। साहित्यकार जो जागृत साहित्यकार, जो ऋषि प्रभु साहित्यकार होगा, वह साहित्य की उसके एक स्टैंजा पढ़ने के बाद आदमी पागल बवंडर जैसा दिमाग में उठ जाएगा और क्या कुछ करने को उतारू हो जाएगा, एकदम नचा दे जिस साहित्य के बारे में पढ़ने वाले को, उसको साहित्य कहते हैं। ये कहानियां किताबें लिखने वाले को तो लाइब्रेरी भर पड़े हैं, साहित्य की मार तो ऐसी पड़ती है। और उन्होंने कहा कि आप तो अभी एक को मिले हैं, दक्षिण में हिंदुस्तान में 50 ऐसे मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मेरे किताबों को पढ़ के भी मेरे अनन्य भक्त बने हुए हैं। एक किताब जो उनका था क्या प्रसव वेदना, इतना ज्यादा दर्दनाक है, इतना ज्यादा दर्दनाक है, आंदोलन के समय में कैसे कैसे लोगों ने ये किया था उस आधार पर है वो, खासकर लड़कियों के लिए तो इतना दर्दनाक है। वो लोग ये कहने की कई लड़कियां तो पागल हो गई उसको पढ़ के, उनको इलाज कराना पड़ा, प्रसव वेदना, और लोग हैरान हो जाते हैं, रोते रोते ही पूरी किताब को पढ़ पाते हैं। और मेरी किताबों पर चार चार पांच पांच विश्वविद्यालय से PhD हुआ, कितनों ने उसके ऊपर शोध प्रबंध लिखा है, तो इतने उच्च कोटि के ऋषि कहते थे कि मैंने ऋषि का जीवन जिया, बड़े गौरव के साथ कहा करते थे वे कि आई डिड नेवर एनी मिस्टेक इन माई लाइफ, ये कहते थे, ये कोई दम वाला कह सकता है, मेरे पूरे जीवन में कभी एक गलती नहीं हुई है हमसे, किसी तरह से मानसिक कायिक या वाचिक किसी प्रकार की गलती नहीं की, मैंने आजीवन एक ऋषि का जीवन जिया है। और इस तरह से गौरव बोध से भरे हुए थे, इतने बड़े सच्चे संत दार्शनिक और जानने वाले तो जनाया ही नहीं उन्होंने, तो लोग तो अपना प्रकाशित करवाते हैं नाम और अपने कृतियों के लिए उल्लेख कर करके डंडे को डंके पीटते हैं, उसके लिए पैसे खर्चा करते हैं कि लोग मुझे जान ले जाए, तमाम तमाम उपाधियां जा जाकर दौड़ दौड़ के लेते हैं। और उनके उपाधियों की बात कहूँ, उनकी किताबों से पूरा लोग तो ये है, प्रयाग विद्यापीठ से एक पत्र आया था इलाहाबाद से,
और उसके पास आम निमंत्रण था, एक कार्ड था टेबल पर, मैंने वो भी पढ़ लिया इसी तरह से। उसमें लिखा था कि आपके साहित्य पर आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ के साहित्य मंडल ने ये अमुक दिन तय किया है, आप किसी आदमी के साथ आ जाए, फर्स्ट क्लास का टिकट आने जाने का और पुरस्कार आपका उस दिन आयोजन में आपको सम्मानित किया जाएगा, आप आ जाए। चिट्ठी पढ़ी थी मैंने, पढ़ा कि ये क्या है, अरे क्या है क्या है, देखिए क्या है। मैंने कहा कि आपको बुलाया गया है। हाँ तो बुलाया गया तो बुलाया गया है। मैंने कहा जाएंगे क्या? कहाँ जाएंगे, ऐसे पागलों के पीछे दौड़ते फिरेंगे? बाबा आपने कैसे समझ लिया कि जाएंगे? मुझे सम्मानित वे लोग करेंगे जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं है, जिनका चरित्र गिरा हुआ है, इनके अंदर में कोई नैतिकता नहीं है, और वे ऐसे ही घटिया किस्म के लोग माधवन को सम्मानित करेंगे, बेइज्जत करेंगे कि सम्मानित करेंगे वे? आप कहते हैं मैं दौड़ा हुआ चला जाऊँ, रास्ते में कोई पूछेगा कि कहाँ जा रहे हैं तो क्या कहूँगा कि सम्मान लेने जा रहा हूँ, मतलब सम्मान का भूखा हूँ मैं तब ना। माधवन अपने करने से गौरवान्वित है, मैंने जीवन में कभी कोई चूक नहीं किया है, आवश्यकता नहीं है। उनकी चिट्ठी फाड़ के मैंने उसमें डाल दिया और दो लाइन लिख दिया कि महाशय आप लोग जुट के मेरी किताबों में से अच्छी 10 बातें नोट कर लें और उसको पुर्जा पर लिख के रात दिन उसको मनन करें और अपने चरित्र में उतारें, वही मेरा सम्मान है, मुझे कागज का सम्मान लेने नहीं आना है। आप यदि अच्छे बन जाए, एक व्यक्ति भी मेरे साहित्य को पढ़ के, मेरी पुस्तकों को पढ़ के यदि अच्छा बनता है तो मैं अपने आप को पुरस्कृत मानूंगा, ऐसा ऐसा उदय सिंह ख्याल। यही एक प्रश्न है स्वामी, प्रश्न ही मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं आज स्वामी जी से सुने कि हमारे माधवन जी, मैं हमारे कह रहा हूँ, बहुत प्रभावित हुआ उनसे, आपसे भी जब मैं सुनता हूँ, उन्होंने लगभग 50 या 60 ग्रंथों के लिए काम किया है, बहुत सारे संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी आदि का निर्माण किया है। तो अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें जो अछूते हैं, जो नहीं जान रहे माधवन जी को, तो उन ग्रंथों के बारे में, उन किताबों के बारे में, किताबों की तो बड़ी लंबी सूची है। मुख्य किताब उनके 2-4 जो मैंने नाम लिए, जो अनामंत्रित मेहमान है, प्रसव वेदना है, प्रसून पंथ है, रुद्राक्ष माला है, सायुजी पंथ है, ये सब राक्षी है, और महापुरुषों पर किताबें लिखी मैंने, उनके सोक्रेट्स पर लिखा, सुकरात पर, टॉल्स्टॉय पर लिखा, मेरे गुरुदेव पर लिखा, उसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। मैं आपको बताऊँ कि मैं जब गुरुमान जी के बारे में बताने लगा उनको, तो उनका साहित्य, उनमें विशेष एक बात थी कि किसी व्यक्ति की लिखावट देख के, उसकी भाषा देख के, और वो नहीं भी मिला होता था तो उसके स्वभाव के बारे में, उसके बारे में कुछ बता जाते थे और वो सत्य होता था। वो राइटिंग देख के वो कहते थे कि अंदर में राइटिंग पढ़ते हैं कि आदमी ऐसा होगा, और किस तरह से उनको इस तरह से आत्मचिंतक तो थे ही। तो गुरुमान जी की मैं प्रवचनों को सुनाया, वो प्रवचनों को पढ़कर बेहद प्रभावित होते गए, और सबसे अंत में किताबों में छपते थे हम लोग, उस समय कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी, और इसी तरह से मैं उनको ले जाकर मैगजीन्स दिखाया करता था और उसको पढ़ते थे। मैं जाऊँ तो घंटा भर उनके बारे में बोलते रहे। एक बार गुरुमान जी का वीडियो कैसेट मैंने दिखाया उनको 3 घंटे का, अपने आश्रम पर बुलाकर, और ये अवाक होकर मुँह खुला ऐसे उनकी ओर ताक रहे थे। मैं 12 बजे रात में उनके आश्रम पर पहुंचाया। दूसरे दिन सवेरे जब गया तो पेड़ के नीचे, रात में सोते खाते तो थे ही नहीं, तो शरीर ही में नहीं रहते थे तो क्या करें। वो कहते कहते थे कि मैं ऋषियों का वंशज हूँ ना, व्यासदेव कोई मलपुआ खा के इतना बड़ा काम कर गए थे, पत्ते और फल तो उन्होंने खाया था, मेरा भी आहार वही है। और वहाँ बैठे हुए थे, मैं सवेरे सवेरे गया तो देखे, अरे हाँ बाबा जी आ गए। कहा कि हाँ क्यों आप सोए नहीं? कहा नींद लगे तब तो सोऊं। कहा सवेरे तक बैठे हुए हैं? कहा हाँ अभी रात में छोड़ गए थे, तब से यहीं बैठा हूँ। हमने कहा क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? बवंडर जैसी उनकी एक एक बात दिमाग में बवंडर बनी हुई है, क्या कहूँ। आपने आज तक सुनाया था, मैंने सोचा था कोई कीर्तनिया होंगे, कोई इस तरह से कथाकार होंगे, घुमक्कड़ साधु जितने घूमते चलते हैं दुनिया में। अरे वे तो शंकर थे, शंकर वे शिव थे। रात मैंने उनको देखा, वैसा कोई व्यक्ति बोल सकता है, कोई विद्वान बोल सकता है बाबा मैंने दुनिया में बड़े बड़े वक्ताओं को देखा, मैंने सरोजिनी नायडू को सुना, मैंने रजनीश को देखा, मैं कितने कितनों को मैंने नाम लिया उन्होंने, मैं तो दुनिया घूम के इतना देखा हूँ, ऐसा वक्ता मैंने नहीं देखा।
और फिर लगा कि वो सारे लोगों का दिल बांध लेते थे, इतना वो बोलते बोलते महाराज जी के बारे में ऐसा बोलने लगे, इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर कर बोल रहे थे, और शिक्षा उनकी तीसरे दर्जे की, ये आत्मज्ञानी संत कहाँ से ये ज्ञान का भंडार इनके पास हो जाता है। और उनके बारे में बताते बताते फिर मेरा हाथ पकड़ के ले गए कमरे में, बाबा मैं यहीं बैठा था जब वो आए थे और 3 मील दूर था, मुझे क्यों नहीं मिले, मैं कोई पापी आदमी हूँ, जीवन भर में गुरु खोजता रहा और तुमने कौन सा पुण्य ऐसा किया था, कह के इतने रोने लगे, कौन सा पुण्य किया था जिसको तुम जिससे तुमको इतने बड़े गुरु मिले थे, मुझे जवाब ना आवे, कहे महाराज मिले लेकिन हम लोगों ने वैसा नहीं समझा ना जैसा आप समझ रहे हैं। और फिर मैं जैसे तैसे ये करता रहा, उसके बाद तो उन्हीं की बातें सुनते रहे और संकल्प ऐसा था कि उनके ऊपर इतना केंद्रित हो गए कि बाद में उन्होंने पुस्तक में बताया है, लिखा है अपना अनुभव कि एक बार जंगल में उनका आश्रम था, अकेले रहते थे, शाम को सब लोग वहां से हट जाते थे, चिड़ियों से बोलते थे, सियारों से बोलते थे, कुत्तों से बोलते थे, पेड़ों को चुनते थे, इन्हीं के बीच में रहता हूँ, ये तो महान तपस्वी हैं, आदमियों से अच्छे हैं ये पेड़ पौधे, और उनसे बातें करते थे, ऐसे प्रकृति प्रेमी थे, फूल गुलाब का खिला हुआ था। उस मेहमान के पास में बैठे रहे, आए भाई चांसलर और एक दर्जन लोग मिलने के लिए, किसी को मिले नहीं, कहा महाराज इतने अच्छे मेहमान को छोड़कर आपसे मिलने जाओ, आप जाओ कभी बाद में आना, देखते हो कांटों में खिला है ये, मिट्टी से निकला, वर्षा झेला और इतनी सुगंधि दे रहा है हम लोगों को, इतना रूप इतनी सुगंधि, और उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, लौट के चले गए मिले नहीं, ऐसा प्रकृति प्रेमी थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार रात में मैं अपने बिस्तर पर था, आवाज आई और मैं गया बाहर, यहाँ कैसे कोई आ गया, तो देखा कि लंबे कद के कोई महापुरुष हाथ में छड़ी लिए हुए वो खड़े थे। मैंने कहा कि महाराज आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोले तेरा बाप लगता हूँ मैं स्वामी परम हूँ, तो रो रहा है मुझे गुरु नहीं मिला, 7 जन्मों से तेरे पीछे लगा हूं, और मेरे को अंदर ले आए, मेरे सोफे पर बैठे और रात भर मुझसे बातें की उन्होंने, और मुझसे संकल्प करवाया कि तुमको किताब लिखने का शौक है तो मेरे ऊपर किताब लिख। तो मैंने कहा कि बाबा मैंने तो आपको प्रत्यक्ष नहीं देखा है और न जाना सुना है, फिर कैसे लिखूंगा, कहने कि मुझे प्रत्यक्ष देखने वाले सब मुझे जान गए, हजारों लाखों लोग जानते रहे, 500 साल 60 साल 70 साल उनके बीच में बिताया और कोई तो मुझे नहीं जान सका, तुम बिना देखे इतने ज्यादा छटपट के तड़प रहे हो मुझे मिलने के लिए, ये जागृति और में क्यों नहीं आई थी। इसलिए बेटा हम महापुरुष जो हैं वे अंदर की आंखों से देखे जाते हैं और वह प्रज्ञा तुम्हारी जागृत है, तुम ही उस काम को करोगे। रही बात बताने और जानने की, तो मैं आके लिखवा लूंगा तुमसे, तुम संकल्प करो। मैं संकल्प करता हूँ, और उनका विश्वास इतना पक्का कि वे जंगलों में गए, 7 महीने तक रात दिन किताबों को लिखते रहे, और मैं कभी भी जाता था आधा घंटा बैठा हूँ, मेरी उठता कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है, देह में थे ही नहीं वे। और ये कहते थे कि बाबा, परम बाबा कहते थे महाराज जी को कि रोज आते हैं मेरे पास बैठते हैं, मेरी कलम रुकने को होती है तो आकर मुझे कुछ लिखा जाते हैं, बोल जाते हैं। ऐसा वहाँ के लोगों ने उस चमत्कार को जो देखा, उनके सेवक जो वहाँ रहते थे उन लोगों ने बताया कि मैं रात को देखता हूँ, 2 कुर्सी वहाँ टेबल वहाँ उनके नीचे ले जाकर रख देते हैं, एक पर तौलिया डाल के और अपने पर दूसरे पर बैठे होते हैं, और टॉर्च की रोशनी में नोटबुक उनके पास होता है, और हम लोग लगता है कोई 2 आदमी बात कर रहे हैं, और हम बरांडे में सोए हुए खर्राटे मारते हैं, जब नींद खुलती है तो देखते हैं कि वो अकेले हैं, और जैसे ही आंख बंद होती लगता है कि 2 आदमी बातें कर रहे हैं। उस प्रसंग को उन्होंने उस परम दर्शन पुस्तक में कितने पन्नों में लिखा है कि आज आए और मैंने ये प्रश्न किया उसका उत्तर ये दिया, मैंने ये प्रश्न किया उनका उत्तर ये दिया, और इस चमत्कार को सुनकर मेरे गुरु घर के दर्जनों महात्मा यहाँ से पंजाब तक तांता लग गया कि वो आदमी कैसा है, कि जिसको गुरु महाराज जी के शरीर के बाद उसको दर्शन हुआ, वे कहते थे कि टालस्टाय वो रोमा रोमा जो हुआ है रामकृष्ण ठाकुर पर, उसने किताब लिखी है परमहंस देव पर, जो उनको देखा नहीं था लेकिन वो केवल आंतरिक चक्षु से उनके ऊपर ऐसी ऑथेंटिक किताब लिखी कि तमाम उनके सन्यासियों को मान जाना पड़ा कि इस आदमी को जरूर साक्षात्कार हुआ, वैसे उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा उस पुस्तक के,
कि ये कोई भी परमानुरागी परम शिष्य ये न कहे कि माधवन उनका शिष्य नहीं है, माधवन को उनके मुलाकात नहीं है। इसके एक एक वर्ड, इसके एक एक पंक्ति उनकी सम्मति से उनसे पूछ कर लिखी गई है, मेरा ये दावा है। उस बीच में जब कभी गया तो एक दिन बताने लगे कि मेरे जांघे में दर्द होने लगा, बहुत इतना दर्द हुआ कि तड़प तड़प के मेरी लिखनी रुक गई, और मैं करूं कि अब कैसे लिखूंगा। तो फिर मुझे कर्म किसको पुकारता, मैंने कर्म पटक दी, रोया, कहा कि बाबा अब तुम ही तो मेरे वैद्यराज हो, तुम्हारा काम रुक जाएगा ना, ये ठीक कौन करेगा, मैं अंग्रेजी दवाई खाता नहीं हूँ। और एकदम तड़पने लगा दर्द के मारे, से मुझे आँख लग गई। सोफे पर मैं बैठा और आँख लगी थी तो देखा कि कोई भारी भारी ठंडा हाथ और मेरे जान पर ऐसे ऐसे फेर रहा है। मैंने देखा दिन के वक्त भी, तो मैंने हाथ से पकड़ना चाहा, तब तक हाथ गायब हो गया और खड़ा हुआ तो मेरा दर्द गायब था। अनेक अनेक संस्मरण उन्होंने 7 महीने में अपने बताए, और ऐसी ऐसी बातें जो हम लोग प्रत्यक्ष जानते थे उसको कहते थे कि ऐसा भी होता था ना, महाराज ऐसा कहते थे ना, बाबा ऐसा कहते थे ना, उनके एकदम अनुगत हो गए। बल्कि लिखा है कि इस परम दर्शन को लिखते लिखते मैं खुद परम पंथी बन गया हूँ। तो ऐसी उनकी दृष्टि जागृत थी। वे साहित्यकार, चिंतक, ऋषि, मनीषी, तपस्वी, क्या क्या थे, मैं क्या कहूँ उनको। मैं इतना प्रभावित हुआ उस व्यक्ति से, ये कह नहीं सकता मैं। अगर शब्दों में डाला जाए तो कुछ यूँ कहे कि शब्दकोश में उनको सम्मानित करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं।